कौन सा वाटर प्यूरिफायर आपके लिए बेस्ट है? क्या आपको सच में आरओ वाटर प्यूरिफायर की जरूरत है? क्या है मिनरल वाटर के पीछे की सच्चाई? किस तरह से ज्यादातर वाटर प्यूरिफाइंग कंपनीज अपनी मार्केटिंग के चलते हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करती हैं? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और आप बड़ी आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा वाटर प्यूरिफायर है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। ये वीडियो है पावर्ड बाय माय फिटनेस 100% नेचुरल पीनट बटर। करेंगे इसके बारे में बाद में, आइए अभी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। पानी जीवन के लिए जरूरी है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि आजकल वाटर बॉडीज का मिसयूज, बढ़ती आबादी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ने पानी को प्रदूषित कर दिया है। इस वजह से एक अच्छा वाटर प्यूरिफायर लगाना लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन चुकी है। लेकिन मार्केट में इतने ज्यादा ऑप्शंस और क्योंकि हर ब्रांड के हिसाब से उन्हीं का ही वाटर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी बेस्ट है, एक आम इंसान के लिए अच्छे वाटर प्यूरिफायर का चुनाव करना बड़ा मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन बस और नहीं, आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज भारतीय मार्केट में अवेलेबल हैं। पहली टेक्नोलॉजी है आरओ। सबसे ज्यादा पॉपुलर है आरओ, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। आजकल ज्यादातर लोगों के लिए वाटर प्यूरिफायर का मतलब ही है आरओ। ये सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो गंदे से गंदे पानी को, यहाँ तक कि नमकीन पानी को भी एक ही बार में प्यूरिफाई कर देती है। आरओ टेक्नोलॉजी में पानी हाई प्रेशर से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है, जिसके पोर्स का डायमीटर होता है सिर्फ 0.0001 माइक्रोन। इतना छोटा पोर होने की वजह से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही इससे पास हो पाता है। इतनी बारीक फिल्ट्रेशन से 90% से भी ज्यादा गंदगी, हैवी मेटल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं और आपको मिलता है खाली पानी जिसमें इम्प्यूरिटीज के साथ साथ पोषक तत्व भी खत्म हो चुके होते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी है NF। नैनो टेक्नोलॉजी भी आरओ टेक्नोलॉजी की तरह ही वर्क करती है। फर्क बस इतना है कि NF का पोर साइज होता है 0.001 माइक्रोन। इसलिए ये ऑब्वियस है कि NF कम इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर पाएगा, लेकिन आरओ की तरह ये पानी का टेस्ट या मिनरल कंटेंट नहीं बदलता। तीसरी टेक्नोलॉजी है UF। UF यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक टेक्नोलॉजी है जो वाटर को प्यूरिफाई करती है बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए। इसमें पानी हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन से पास होता है जिसका पोर साइज होता है 0.01 माइक्रोन। UF टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम पानी से इम्प्यूरिटीज बाहर निकाल सकते हैं पानी का मिनरल कॉन्टेंट को बिना डिस्टर्ब किए। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पेड़ पौधे ग्राउंड वाटर को साफ करते हैं। UF आरओ से काफी सस्ता होता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन यही है कि जहां बहुत हार्ड वाटर होता है वहां इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तीनों टेक्नोलॉजीज जो हमने डिस्कस की, ये सॉलिड और केमिकल इम्प्यूरिटीज को निकालने में तो सक्षम है, लेकिन सूक्ष्म जीवों को मारने में ये उतनी कारगर नहीं है। इसीलिए ही वाटर प्यूरिफायर्स UV चेंबर के साथ ही रिकमेंड किए जाते हैं। UV में एक चेंबर होता है जिसमें एक पावरफुल UV लैंप लगा होता है। जब पानी इस चेंबर से पास होता है तो अल्ट्रावायलेट रेस छोटे से छोटे बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देती हैं, जिससे पानी पीने के लिए सेफ हो जाता है। अब आपको अलग अलग वाटर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजीज के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अगला सवाल उठता है कि कैसे पता लगाएं कि कौन सी टेक्नोलॉजी मेरे लिए बेस्ट है। इसका जवाब बड़ा आसान है, आपको बस चाहिए होगा एक TDS मीटर। आइए जल्दी से समझते हैं कि क्या है ये TDS मीटर और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। TDS शायद इस स्पेस में सबसे गलत समझे जाने वाली टर्म है। TDS का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, मतलब पानी में टोटल काउंट ऑफ मिनरल्स, सॉल्ट्स, मेटल्स और इंप्यूरिटीज। और क्योंकि TDS पानी में पाए जाने वाले नेचुरल मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम को भी इंक्लूड करता है, इसलिए ऐसा समझना कि TDS जितना कम होगा पानी उतना ही बेटर होगा बिल्कुल गलत धारणा है, जैसे कि काफी लोग सोचते भी हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की माने तो पानी के TDS की वैल्यू 500 के अंदर बिल्कुल सेफ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। थोड़ा और अच्छे से समझें तो आइडियल रेंज ऑफ TDS होती है 100 से 300 के बीच में। अगर आपके घर गवर्नमेंट द्वारा ट्रीटेड पानी आता है तो मोस्ट लाइकली आपका टैप वाटर इसी रेंज में होगा। पानी का TDS 300 से 500 के बीच होना एक्सेप्टेबल है, लेकिन TDS 100 से कम होना सही नहीं है क्योंकि ऐसे पानी में बिल्कुल भी मिनरल्स नहीं होते। और ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से आजकल लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को मिनरल वाटर समझकर पीते हैं, उसका TDS मात्र 15-20 की रेंज में ही होता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि ज्यादातर सो कॉल्ड मिनरल वाटर की कंपनियां आपको आरओ वाटर ही पिला रही हैं, और आरओ तो 1000 TDS को भी झटके से ही 50 के अंदर ला देता है। बड़ी कंपनियां बस एक आरओ प्लांट
सेटअप करती हैं और बस फिर क्या पानी बेचना चालू। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी में मिनरल्स बचे या ना बचे, उन्हें बस पानी बेचने से मतलब है। और ध्यान रहे कि ये जो अलग से एडेड मिनरल्स डाले जाते हैं ये हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन मुझे गलत ना समझे, मैं आरओ टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि आरओ एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअल में मरीन्स के लिए डेवलप की गई थी ताकि वो समुद्र का नमकीन पानी लेके उसे प्यूरिफाई करके पी सके। तो आप समझ सकते हैं कि आरओ टेक्नोलॉजी ऐसी सर्वाइवल सिचुएशंस के लिए बनाई गई थी, ना कि रोज रोज घर में पानी पीने के लिए। लेकिन कुछ कंपनीज का तो काम ही है लोगों को डराकर प्रॉफिट कमाना। ये एक क्लियर केस ऑफ कैपिटलिज्म है। टीडीएस ज्यादा होने से जरूरी नहीं कि पानी खराब हो। इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था जिसमें मैंने फ्रेश नारियल पानी का टीडीएस चेक किया तो 3000 से ऊपर निकला। क्यों निकला? क्योंकि नारियल पानी में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। फिर कुछ कंपनीज हैं जैसे टाटा, हिमालयन वाटर, बिस्लेरी वेदिका वगैरह, जिनका पानी सच में मिनरल वाटर कहा जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इतना महंगा है कि एक आम इंसान रोज रोज इस पानी को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जहां मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के मिनरल्स को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू डिसोशिएट किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ऊपर को आपको गंदगी जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली मिनरल्स हैं। मिनरल्स डिसोशिएट होने पे पानी का रंग बदल जाता है। ये एक अच्छा पीएच टेस्ट भी है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा पानी कितना एसिडिक है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। एक बार आपके पास टीडीएस मीटर आ गया जो आप बड़ी आसानी से ऑफलाइन या ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसके बाद अपने घर के टैप वाटर का टीडीएस चेक करें। अगर टीडीएस 500 से कम आता है तो इतना तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने फिर भी आरओ लगवा लिया तो इससे आपके पानी का टीडीएस इतना कम हो जाएगा कि उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। सभी मिनरल्स खत्म हो चुके होंगे और ये पानी पानी ही नहीं कहला पाएगा। ये बस प्यास बुझाने वाले लिक्विड तक ही सीमित रह जाएगा। आपके लिए चीजें थोड़ी आसान करता हूँ। अगर आपके टैप वाटर का टीडीएस 300 से कम है तो अगर आप यूएफ टेक्नोलॉजी फिल्टर को इंस्टॉल करवा लेंगे तो काफी है, जो थोड़ी बहुत जो केमिकल इंप्यूरिटीज होंगी उन्हें निकाल देगा। यूएफ के साथ साथ आप यूवी भी इंस्टॉल करवा सकते हैं जो कोई छोटे मोटे वायरस बैक्टीरिया को उन्हें भी खत्म कर देगा। मतलब 300 टीडीएस के अंदर यूएफ प्लस यूवी बेस्ट कॉम्बो है। फिर अगर आपके टैप वाटर का टीडीएस 300 से 900 के बीच आता है तो नैनो फिल्टर इंस्टॉल करवाना काफी है। एनएफ क्योंकि मेम्ब्रेन बेस्ड है जो टाइम के साथ खराब हो जाती है, इसलिए साथ में यूवी इंस्टॉल जरूर करवा लें, इससे पानी बिल्कुल सेफ हो जाएगा। फिर अगर आपके टैप वाटर का टीडीएस 900 से भी ज्यादा है, बस तभी आपको आरओ प्यूरिफायर लगवाने की जरूरत है, साथ में यूवी भी लगवा लें। हाँ, आरओ लगवाने से मिनरल्स तो खत्म हो जाएंगे लेकिन आपके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि आपके घर पानी काफी गंदा आ रहा है। हालांकि मिनरल्स की क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए आप पानी को मिट्टी के मटके या तांबे के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। जी हाँ, मिट्टी और कॉपर के बर्तन पानी में अपने मिनरल्स को डिसोसिएट करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको मेरे पिक्स फॉर द बेस्ट वाटर प्यूरिफायर सजेस्ट करूं, आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि किस तरह से ये बड़ी कंपनियों ने वाटर प्यूरिफायर के 10-15 मॉडल्स निकाल के पूरी मार्केट की खिचड़ी सी पका रखी है। अपनी चीप मार्केटिंग टैक्टिक्स के चलते ये लोगों की इग्नोरेंस को इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको 5 कारण बताता हूँ। नंबर 1, कुछ कंपनियां आपको सबसे शुद्ध पानी देने का वादा करती हैं ये बता के कि उनके वाटर प्यूरिफायर में आरओ, यूएफ, एनएफ सब एक साथ लगा हुआ है। ये तो मजाक है। ये तो कोई भी बता देगा कि एक बार अगर पानी छोटी छननी से निकल गया तो बड़ी छननी में डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आरओ ही लगा दिया तो फिर चाहे उसमें एनएफ लगाओ या यूएफ लगाओ कोई मतलब नहीं। और जब आप यही क्वेश्चंस इन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं तो वो आपको अटपटे से जवाब देते हैं। नंबर 2, टीडीएस कंट्रोलर। जब कंपनी इसको पता लगने लगा कि जनता अब अवेयर हो रही है कि आरओ टीडीएस को बिल्कुल कम कर देता है तो वे टीडीएस कंट्रोलर की स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में उतरी। टीडीएस कंट्रोलर कुछ नहीं है, 50 रुपए की एक बाईपास वॉल होती है। ये बस आपके आरओ के लो टीडीएस वाटर में आपके नॉर्मल टैप वाटर को मिक्स होने देती है। तो इससे होगा ये कि एंड में जो आपको पानी मिलता है उसमें टीडीएस बढ़ा हुआ मिलेगा। टीडीएस तो बढ़ा लेकिन साथ में इंप्यूरिटीज भी तो आ गई, क्या पॉइंट हुआ उसका। नंबर 3, यूवी चेंबर्स। कुछ कंपनीज अपने वाटर प्यूरिफायर को सबसे सस्ता बेचने के चक्कर में यूवी चेंबर फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील का नहीं बल्कि एल्यूमिनियम का बनाने लगी हैं। एल्यूमिनियम चेंबर की प्रॉब्लम ये है कि पानी एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनाता है जो ब्रेन के लिए डैमेजिंग है। ऊपर से यूवी चेंबर को हमेशा हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाना चाहिए, ना कि वर्टिकली, ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस को इफेक्टिवली मार सके। नंबर 4, एक और कॉमन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है 7-stage 14-stage फिल्टर प्रोसेस। ऑब्वियसली किसी को ज्यादा नॉलेज ना हो तो वो यही सोचेगा कि ज्यादा फिल्टर्स मतलब ज्यादा प्योर पानी। हालांकि ऐसा नहीं है। पानी कितना भी हार्ड या गंदा क्यों ना हो, उसे प्यूरिफाई करने के लिए 4 stages
डिवाइसेस काफी हैं, सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन और यूवी चेंबर। अगर कोई वाटर प्यूरिफायर कंपनी ज्यादा स्टेजेस का क्लेम करती है तो समझ जाइए वो बस ज्यादा कस्टमर्स को फंसाने के लिए मार्केटिंग टैक्टिक अपना रही है। ऐसे केस में कंपनीज दो चार छोटे छोटे फिल्टर्स बस दिखाने के लिए लगा देती हैं। नंबर 5, एल्कलाइन कार्ट्रिजेस एक और बज वर्ड है इस मार्केटिंग स्पेस का। एक्चुअली आरओ वाटर थोड़ा एसिडिक होता है, उसको एल्कलाइन करने की कोशिश में कंपनियां आजकल एल्कलाइन कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने लग गई हैं, जो हार्श केमिकल्स का यूज करती हैं, जो हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। तो अब आपको क्लियर हो गई होगी क्या है इस वाटर प्यूरिफाइंग मार्केट की रियल गेम, किस तरह से ये कंपनीज एक आम इंसान का डर और इनोसेंस का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरती हैं। अच्छा चलो, अगर अब आप कहें कि यार ये सारी इंफॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन मेरे पास सभी वाटर प्यूरिफायर्स को चेक करने का टाइम नहीं है, मुझे बस इंडियन मार्केट में बेस्ट वाटर प्यूरिफायर्स बता दो, तो चलिए मैं आपको अपने ऑनेस्ट पिक शेयर कर देता हूँ। ये कुछ जेन्युइन वाटर प्यूरिफायर्स हैं जो मुझे रिसर्च से मिले, मैंने इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इन्हें अपने टैप वाटर के TDS के हिसाब से खरीद सकते हैं। शुद्ध पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक सही वाटर प्यूरिफायर को चूज करना। वाटर प्यूरिफायर इतनी ल्यूक्रेटिव मार्केट है कि कमोड बनाने वाली कंपनियां भी अब इसमें घुसने लगी हैं। लेकिन एक जागरूक ग्राहक होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बड़े ध्यान से वाटर प्यूरिफायर का चुनाव करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर आप एक 100% नेचुरल पीनट बटर की तलाश में है तो माई फिटनेस का 100% नेचुरल पीनट बटर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। 100% नेचुरल मतलब आपको इस पीनट बटर के इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट मिलेगा, जो कि है 100% रोस्टेड पीनट्स। कोई एडिड शुगर या सॉल्ट नहीं, कोई हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं, कोई स्टेबिलाइजर्स वगैरह नहीं। माई फिटनेस का नेचुरल पीनट बटर आता है 2 वेरिएंट्स में, क्रंची और स्मूथ, दोनों बिल्कुल नेचुरल हैं। आप इससे पीनट बटर सैंडविच बना सकते हैं, बनाना पीनट बटर रोटी बना सकते हैं, स्मूदीज में डाल सकते हैं। माई फिटनेस का नेचुरल पीनट बटर खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए, स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाएं जिससे आपको मिलेगा 5% एडिशनल डिस्काउंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे एट 11 AM एक Q&A सेशन करता हूं। माय नेम इज विवेक, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।